बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है, लिहाजा पीएम मोदी ने बिहार के दंगल में पूरी ताकत झोंक दी है। बाकी बचे 3 चरणों के लिए पीएम मोदी 23 जनसभा करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट मांगेंगे। पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दी। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने जा रहे नीतीश जनता से ये कहना नहीं भूल रहे हैं कि मतदान जरूर करें। आपका हम बड़ी काम करें, बहुत मर्द लोग हम पर ताना भी कसते रहता है, 50-50 हम ही देने वाले। एक विनम्र प्रार्थना है, 28 तारीख को वोट है, उस दिन सवेरे तैयार होके खाना मत बनाने लगे, सवेरे तैयार होके पहले अपना वोट दे दीजिएगा, लालटेन का बटन दबा के तब आके खाना बनाइएगा, खाइएगा। और घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट देके आवे उनको भरपेट खिलाइए, और जो आपकी बात नहीं माने उनको दिन भर का उपवास कराए। विजयादशमी के दिन रावण वध होना है, जिसका बुराई के प्रतीक रावण को मारने का सांकेतिक महत्व है, लेकिन सियासतदान अपने विरोधियों का वध करने की बात कर रहे हैं। लालू यादव ने इस मौके पर विरोधियों को आड़े हाथों लिया। तो हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए, हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल हो जाएगा। अभी देखो कि नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, फोटोशॉप का एक तरह के लगाया है, 10 गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो वो रावण वध होगा। गांधी मैदान में जैसे होता है ना, तो चुनाव में वध का मतलब ये को काटने वाला बात नहीं बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी लालू के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह ने पलटवार किया। लेकिन बिहार की जनता भी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। नीतीश कुमार के जीतन मांझी को विभीषण कहने पर मांझी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। जीतन जब विभीषण है, खुद श्री मुख से माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो रावण कहाँ बैठा हुआ है? नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है, तो रावण वो है, अत्याचारी है, महत्वाकांक्षी है, जो भी। पटना में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामविलास पासवान ने दाल की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। टोटली ये जो राज्य सरकार है इसमें राजनीति कर रही है, और टोटली का टोटली नीतीश कुमार का फेलियर है, जिसके वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को महंगे दर पर दाम खरीदना पड़ रहा है, और राज्य सरकार को कहती शुरू से ही ये कार्रवाई की रहती, और अभी भी राज्य सरकार इम्पोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है? जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं खरीदने काम कर रही है? क्यों नहीं जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करने काम कर रही है? क्यों नहीं स्टॉक लिमिट कर रही है? क्यों नहीं? रामविलास ने कहा कि राज्य सरकार जमाखोरों से मिलकर बिहार की गरीब जनता को परेशान कर रही है। बिहार सरकार चाहे तो जो जो इम्पोर्टेड दाल है उसको मंगा करके 100 रुपए तक में बेच सकती है। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जमाखोरी को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है और दाम की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार पर ठिकड़ा फोड़ रही है, जिस पर नीतीश ने सवाल उठाया है। काम है इंपोर्ट करना, राज्य सरकार दाल का व्यापार करती है, दाल का दुकान देती है। जैसा जैसा हास्यास्पद पत्र लिखा था उसको उत्तर चला गया था समय पर, और हम लोगों की जानकारी के मुताबिक उनके हिसाब से कोई राज तैयार नहीं हुआ। कह रहा था कि पोर्ट पर दाल दलहन मंगवा रहे हैं, उसको उठा के ले जाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप दीजिए, उसको दरवाइए और इसके बाद उसको बाजार में पहुंचाइए। मैंने राज्य सरकार का मतलब क्या है कि सब थाना को, ब्लॉक को, सीओ को कहते कि दाल का दुकान चलाओ, साहब मजाक है।
नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा। भूल जाइए बिहार में चुनाव है, बिहार में दाल मांगा है कि पूरे देश में मांगा, तो हमारी जिम्मेवारी वो समझ लिए थे क्या? अभी मान लिए कि हम केंद्र सरकार के भी कुछ चलाने वाले हो गए, भाई चुनाव बिहार का है ना, बिहार को कौन चलाएगा उसके लिए चुनाव हो रहा है, आई तो बताइए। अभी से इनका हालत ये है, इतने बैकफुट पर आ गए कि वो मान लिए कि बस हमारे ही चलते, यानी पूरे देश का यही ये दाल का महंगा है। दाल की कीमतों को लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए कि क्या बिहार में ही दाल महंगी है। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। लिमिट के कारण आज हजारों के होर्डर्स को, जमाखोरियों को जेल में डाला चुका जा चुका है। मध्य प्रदेश में लगभग 3000 मेट्रिक टन दाल को सीज किया गया है। बिहार के चुनावी मौसम में दाल पर बवाल मच गया है। राज्य सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दाल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। नाम पर मतलब रैंसम होल्ड कर रहे हैं कि तुम हमको वोट दोगे तो दाल खाने देंगे, अने तो नहीं खाने देंगे। उनके कहने का तो मतलब यही है। मनेर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित सब पर अत्याचार करने का काम ये लालू प्रसाद की सरकार ने। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आपसे हाथ मिलाके, उनका से सहयोग ले आके बिहार के विकास करे वाला मुख्यमंत्री चाहिए, यो 28 तारीख करने वालों के तय करे। हाजीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से कहा कि कमल का बटन इस तरीके से वो दबाएं कि उसकी करंट इटली तक पहुंचे। उन्होंने राघोपुर से एनडीए प्रत्याशी सतीश कुमार के लिए प्रचार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बाढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लालू और नीतीश पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर भी सियासी प्रहार किए। बख्तियारपुर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। की सजा खानी पड़ी थी तब आपको नीतीश कुमार जी बहुत रात को याद आते थे, और नीतीश कुमार जी कहते थे मैंने लालू प्रसाद जी को जेल में भेजा है, तो लालू जी वो कौन सी मजबूरी थी कि आपको नीतीश कुमार को सरेंडर करना पड़ा। बख्तियारपुर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जो हम 34 निर्णय लिए उसमें 21 निर्णय आप अनुपालित किया, तो जीतनराम मांझी अनुपालित करने का इरादा किया था और पास किया मंत्रिमंडल से, तो संखी हो गए। अब आप माननीय नीतीश कुमार अब उसको आप पारित कर रहे हैं, तो आप कौन सी कहे जाएंगे सो पहले बताइए, आप ही लोग निर्णय लेंगे। बाढ़ के जलगोविंद में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार के पक्ष में वोट करने की गुजारिश की। इससे पहले उन्होंने पंडारा के खुशहालचक में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने हाजीपुर में पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीदुपुर में उन्होंने पीएम के 56 इंच वाले बयान पर कटाक्ष किया। इस मौके पर उन्होंने मंच के सामने शोर करने वाले युवकों को डांट भी लगाई। गोपालगंज में हेमा मालिनी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ रेणु कुशवाहा भी थी। दोनों ने लालू और नीतीश पर जमकर सियासी प्रहार किए। रेणु ने जहां नीतीश कुमार पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया, वहीं हेमा मालिनी ने जनता से विकास के लिए एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। योजनाएं बनाकर सब साकार कर रहे हैं और आपके बिहार के लिए भी बहुत कुछ सोचा है और यहाँ पर
अच्छे अच्छे सड़कें बनाने के लिए भी नितिन गडकरी से भी बात हुई थी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सड़कें सब बनाने के लिए पूरा तैयारी किया हुआ है। तो ये एक ऐसा एक सुनहरा अवसर को आप खोने मत दीजिए। किस बात का सुशासन बाबू? आप सुशासन बाबू तब थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और किसने बनाया आपको सुशासन बाबू? किसने बनाया? अगर लालू जी बनाए होते तो उससे अलग नहीं होते, अगर कांग्रेस बनाया होता तो उससे अलग नहीं, उसके खिलाफ नहीं लड़ते। आपको बनाया यही भारतीय जनता पार्टी ने। सीवान के गोरिया कोठी में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हेमा मालिनी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इस बार बिहार की जनता लालू के झांसे में नहीं आने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बिहार में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर हेमा मालिनी ने फिल्मी अंदाज में प्रचार किया। उन्होंने फिल्म शोले के डायलॉग के जरिए लोगों को रिझाने की कोशिश की। इन दिनों नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का एक बयान सोशल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नालंदा में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सीमांचल की 6 सीटों पर अपना दम दिखाने के लिए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में डेरा डाले हुए हैं और खासकर मुस्लिम इलाकों में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने खगड़ा मेला गेट पर चुनावी सभा की और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल के बच्चे दूसरे राज्यों में बाल मजदूरी करते हैं और इसका जिम्मेदार महागठबंधन में बैठे लोग हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोग बीजेपी को रोकने के नाम पर मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुस्लिमों का कोई विकास नहीं होता। खगौल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख नकद बरामद किया है। DRM चौराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। जिस शख्स के पास से कैश मिला है उसका नाम मुन्ना सिंह है और वो आरा में मोहन सिनेमा का मालिक है। मुन्ना की माने तो वो सिनेमा एजेंट को पैसा देने जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमुई में पति पत्नी के झगड़े में 2 साल के बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस विवाद में महिला के हाथ का नस कट गया, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से पति फरार है। महिसौड़ी निवासी मोहम्मद मुस्लिम ने अपनी बेटी गुड़िया खातून की शादी मुजफ्फरपुर के कुर्बान से की, लेकिन दोनों के बीच शादी के बाद से विवाद होना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि रुपयों को लेकर विवाद हुआ और कुर्बान ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के सरायकेला खरसावां कोषागार में तैनात गार्ड ने खुदकुशी कर ली। जवान रामविलास जारिका ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि वो मानसिक तनाव में रहता था। रामविलास चाईबासा का रहने वाला था। पलामू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबू भुइया को गिरफ्तार किया है। बाबू भुइया कई सालों से फरार था और उस पर 8 हत्या और 1 अपहरण का मामला दर्ज था। पुलिस के मुताबिक बाबू भुइया के गिरफ्त में आने से और भी कई मामलों का खुलासा होगा। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन CPI माओवादी के 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और नक्सली पर्चे भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन नक्सलियों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के 13 से अधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। नक्सलियों की गिरफ्तारी जोजो हाथू और डोम्बारी जंगल से हुई है। पुलिस की टीम को देखकर 10 से 15 की संख्या में मौजूद नक्सली भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने इनका पीछा करते हुए 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। नक्सलियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोलियां, संगठन के 10वें फॉल कमेटी का 1 लेटर पैड, इनके संगठन के वार्षिक समीक्षा बैठक 2013 से संबंधित डिटेल, संगठन से जुड़ी पत्रिका, 6 मोबाइल फोन और 1 लूटी हुई गई मोटरसाइकिल जब्त किया गया। जो पकड़े गए उनमें मोरगा हस्सा, सचिन उर्फ दीप टूटी, बिरसा मुंडा, मंगरा मुंडा और दाऊद दांग शामिल हैं। अरवल के धर्मपुर गांव में एक दलित युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम गौतम दास था। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया। गौतम दास का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि उसी पड़ोसी ने हत्या की।
घटना के बाद से जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, वहीं गांव में तनाव का माहौल है। उधर किशनगंज में बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। इनमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना NH 31 की है। जमशेदपुर पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम जेम्स बेनेट बताया जा रहा है और वो नाइजीरिया का रहने वाला है। मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर उनसे 12,00,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपी जेम्स बेनेट को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, विजिटिंग कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद हुआ है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए निरसा DSP के नेतृत्व में निरसा और चितकुंडा अंचल के पुलिस ने फ्लैग मार्च किए, साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की। करीब 10 महीने पहले हुए उबर रेप मामले की सुनवाई कर रहे दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने आरोपी शिव कुमार यादव को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में 23 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। आरोपी शिव कुमार यादव फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आरोपी ड्राइवर और पेशे से वकील ने कहा कि अभियोजन की कहानी में कई विरोधाभास है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पीड़ित के बयान और झूठे सबूतों की साजिश रची गई। दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह है, लेकिन पूजा के दौरान वैसे व्यवसायियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो हर दिन बैंकों से लेन देन का काम करते हैं। दरअसल अगले 7 दिन बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। 22 और 23 को दुर्गा पूजा को लेकर बैंक बंद रहेंगे, जबकि 24 को मुहर्रम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 25 को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेगा। ऐसे में बैंक 26 अक्टूबर को खुलेंगे। इसके बाद फिर 28 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होने की वजह से भी बैंकों के काम आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला मंदिर और पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां से महागठबंधन की जीत की कामना की। जमशेदपुर के शीतला मंदिर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महागौरी की पूजा अर्चना की और माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। रघुवर दास ने मां भवानी से सुबह की खुशहाली और अमन चैन के लिए कामना की। खूंटी में मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी और मां दुर्गा से सुख शांति की कामना की। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी भक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के नगर विकास मंत्री CP सिंह और उनके परिवार में भी पूजा की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गोड्डा में भी शारदीय नवरात्र की धूम है। मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। महगामा स्थित दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्तों की मुराद मां पूरी करती है। सारण के बनियापुर में छातानुमा मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा करने में जुटे हैं। नवरात्रि की छठा इन दिनों देखते ही बन रही है। कोई पूजा में लीन है तो कोई सेवा भाव में। पटना के आनंदपुरी इलाके में कलश स्थापना से लेकर विजयादशमी तक रोजाना लंगर चलता है, जहां 10,000 से अधिक लोग मां भवानी का प्रसाद पाते हैं। रांची में शारदीय नवरात्र के मौके पर मंदिरों में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की गई और प्रसाद का भोग लगाया गया। शारदीय नवरात्र की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। बेऊर जेल अधीक्षक ने जेल परिसर में डांडिया का आयोजन किया, जिसमें कैदियों ने जबरदस्त तरीके से डांडिया का लुत्फ उठाया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों से हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा के मार्ग पर चलने की